यस, वेलकम टू गौतम एकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौतम एकेडमी में। तो आज मैथमेटिक्स का पेपर उत्तराखंड टीटी पेपर फर्स्ट देख लीजिएगा। 91 घन के एक पृष्ठ का परिमाप 20 है तो उसका आयतन क्या होगा। हम जानते हैं कि घन का एक पृष्ठ क्या होगा, क्यूब होगा। तो 4a उसका जो परिमाप होगा 4a इक्वल टू 20, तो 4 × 5 = 20, तो एक साइड क्या आ जाएगा 5, तो इसका आयतन 5 का क्यूब क्या आ जाएगा। हम जानते हैं 5 का क्यूब होगा 125, तो आंसर रहेगा डी। 92 अगर ए और बी का रेशियो दे रखा है तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी 52। ये जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये मैंने खुद करे हैं तब आपको मैं बता रहा हूँ। 93 का आंसर रहेगा ए 12। 94 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी 95 का जो आंसर रहेगा कि गणन संख्याओं को ज्ञात किस विधि के द्वारा सिखाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 96 गणित अधिगम में आंकलन के लिए नींव का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक सिद्धांत करता है, तो इसका आंसर रहेगा सी ए और बी दोनों। 97 गणित अधिगम के आंकलन के सिद्धांत निम्न में से कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी है पक्षधर का सिद्धांत। मतलब आपका जो निर्णय होगा वो एक ही पक्ष में होगा तो ये निगेटिव उसको बताता है, तो ऑप्शन नंबर सी। 98 निम्न में से गणित अधिगम में स्व आंकलन की तकनीक है, तो उपयुक्त में से सभी आपकी स्व आंकलन की तकनीक है। 99 निम्न में से गणित शिक्षा का मुख्य विशेषता क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों रहेगा सटीक अभिव्यक्ति और सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 100 का रहेगा ए, क्वेश्चन नंबर 101 का रहेगा सी, क्वेश्चन नंबर 102 का रहेगा ए, क्वेश्चन नंबर 103 का जो रहेगा 103 का सी रहेगा 7/8, क्वेश्चन नंबर 104 का कि 4/9, 10/21 और 20/63 का महत्तम समावर्तक क्या होगा एचसीएफ, तो इसका आंसर रहेगा जो 4 का वो रहेगा बी 2/63। 105 एक एक करके 20% 15% की छूट के बजाय एक साथ की छूट दे दिया जाए, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा 32%। क्वेश्चन नंबर 106 यदि ए बी सी का माध्य एम है तो इसका माध्य क्या होगा, तो इसका ऑप्शन रहेगा बी 3m2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। 107 दो संख्याएं 1 और 2 अनुपात में है, प्रत्येक में 7 जोड़ दिया जाए तो ये 3/5 हो जाती है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो इसका आंसर रहेगा ए 28। क्वेश्चन नंबर 112 पिता की उम्र पुत्री से दुगनी है, 20 वर्ष पूर्व पिता की और पुत्री से 12 वर्ष हो जाती है, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या करो, तो इसका आंसर रहेगा बी 44/22। क्वेश्चन नंबर 113 8% वार्षिक दर से 10,000 का 9 माह का ब्याज जो बनता है वो रहेगा डी 600। यदि 3x²-6x+a व्यंजक x-2 को विभाजित करता है तो एक मान, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ x-2 विभाजित करता है, इसका मतलब x की वैल्यू 2 इस इक्वेशन में रख दिया जाए तो हमारा आंसर निकल जाएगा, तो इसका जो सही आंसर 114 का वो है सी 0, वो क्या है 0%। 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो 3 अंकों की कुल संख्याएं 100 से 99 के बीच 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होगी, 150 होगी जो कि 6 से डिवाइड है। 108 क्वेश्चन नंबर 108 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत 25% है, तो x की वैल्यू क्या करो, तो ऑप्शन नंबर जो 108 का क्वेश्चन रहेगा वो है
सी 16। 109 यदि ए और बी यदि बिंदु ए और बी तक जाने वाली इसका जो सही आंसर रहेगा 109 का वो रहेगा बी। 110 का आंसर रहेगा सी। 111 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी। ये 45 लीटर के मिश्रण को दूध पानी का अनुपात ये है और कितना पानी और मिला दिया जाए तो इतना हो जाए, तो 111 का रहेगा यहाँ पर डी 12 लीटर। एक क्लास में क्या हुआ है, 20 भौतिकी 7 गणित और 12 भौतिकी गणित दोनों, 10 विद्यार्थी अन्य विषय पढ़ते हैं, तो इनमें से कुल कितने हैं, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 118 तीन पदों के लिए कुल 7 विद्यार्थी हैं, तो इसकी जो कितने प्रकार से इसे भरा जाएगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 119 यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल इक्वल है तो इसका व्यास क्या होगा डायमीटर, तो आंसर रहेगा सी 4 यूनिट। 120 यदि आयत की लंबाई को दुगना और चौड़ाई को आधा कर दिया जाए तो नए आयतन का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, कितने परसेंट बढ़ जाएगा, तो उतना ही रहेगा, आंसर रहेगा बी 0%। तो दोस्तों यही है, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक करिए और चैनल के जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट लिखिएगा कि आपकी कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में जितने भी आपके ग्रुप हैं वहाँ पर इसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।